और तीन आत्माएं भी हैं वहाँ पे जो इस सेलिब्रेशन में आई हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की। ऐसे भी लोग जो भगवान को मानते नहीं थे, यानी कि जैसे राहुल कावी राहुल, वो भी आ गया है और वो भी। वाह वाह, बाकी बिहारी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज कितने दिनों बाद ना घर पे त्योहार का माहौल लग रहा है, और सबसे अच्छी बात ये है कि हम सब साथ हैं। तुम्हारी बात तो सही है जीत, पर भाई भैया की थोड़ी कमी महसूस हो रही है। अगर वो भी अपने यूएस से छुट्टी लेकर आ सकते थे तो राहुल भैया। अरे जहाँ पे हम यानी कि त्रिवेदी परिवार फॉर द वेरी लास्ट टाइम दे आर सेलिब्रेटिंग जन्माष्टमी का त्यौहार, वो भी पूरी फैमिली के साथ, जो कि बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि पूरी फैमिली, यानी कि ऐसे भी लोग जो भगवान को मानते नहीं थे, यानी कि जैसे राहुल कावी राहुल, वो भी आ गया है और वो भी पूजा कर रहा है। तो बाके बिहारी जी को कुछ ना कुछ असर तो हुआ ही है, और पूरी फैमिली जन्माष्टमी मना रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और तीन आत्माएं भी हैं वहाँ पे जो जन्म हमारे इस सेलिब्रेशन में आई हैं। तो पूरा का पूरा फैमिली, भले ही वो आत्मा ही क्यों ना बन गए हों, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई एम श्योर कि जब ये TV पे आएगा, एयर होगा, तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बस आप सबके ब्लेसिंग्स, आप सबके आशीर्वाद के वजह से, प्यार के वजह से राधा अपने शो राधा मोहन के साथ इतना दूर आ पाई है। उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट जो कुछ भी मैं आप सबके एंटरटेनमेंट के लिए करूँ, आप उतना ही सपोर्ट करेंगे, उतना ही प्यार देंगे। थैंक यू। ये तो कहती हम पहले से जानते ही कि एक ना एक दिन राधा और मोहन भैया परमानेंटली साथ हो ही जाएंगे, और ये नहीं साथ होंगे और कौन होगा। हाँ थैंक यू।